दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी मोटरें होती हैं, इंडक्शन मोटर है या यूनिवर्सल मोटर है, कोई भी मोटर है, उसमें नो लोड और ऑन लोड दोनों क्या चीज़ें होती हैं, आज इस चीज़ को हम समझेंगे। कुछ कमेंट भी आए थे इस टॉपिक पे। देखिए, जो हमारी मोटर होती है, मान लीजिए ये हमारी मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, ये कनेक्शन हमने कर दिया। अब इसका जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट जो होता है, इसको इसमें पुली वगैरह हम लगा देते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई चीज़ चलानी होती है, कोई दूसरी चीज़ हमें इस मोटर के माध्यम से चलानी होती है। तो जब हम इस मोटर को सिंपली हम सप्लाई ऑन करते हैं और इसके साथ हम कोई भी अतिरिक्त लोड नहीं जोड़ते हैं, इसके सॉफ्ट को पूरी तरह से फ्री छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, कोई भी चीज़ इसके सॉफ्ट के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो मोटर नो लोड पे चलती है। उस वक्त मोटर पर किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं होता है और वह अपने मिनिमम करंट पे वह मोटर चलती है जब वो नो लोड पे होती है। और जैसे ही आप इसकी पुली के ऊपर कोई बेल्ट चढ़ा करके कोई दूसरी चीज़ आप चलाते हैं, मतलब कुमला करके इसके ऊपर लोड डालते हैं आप, तो इसका आरपीएम भी डाउन होता है और इसका करंट भी बढ़ जाएगा। मतलब आरपीएम डाउन होगा और जो करंट है वह बढ़ जाएगा, किसकी रिस्पेक्ट में, नो लोड की रिस्पेक्ट में। मतलब नो लोड पर आरपीएम आपका स्थिर रहेगा, मान लीजिए 1500 आरपीएम की मोटर है तो 1500 आरपीएम उसका रहेगा और करंट जो है वह मिनिमम पे रहेगा, जितना मिनिमम होगा उतने पे मोटर चलेगी। और जैसे ही आप इसके ऊपर लोड डालेंगे, तुरंत इसका जो लोड है वह करंट है, मतलब मिला करके वह बढ़ जाएगा और आरपीएम इसका डाउन हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इस पर लोड बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसका आरपीएम जो है वह डाउन होता चला जाएगा। लेकिन जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, उसका आरपीएम डाउन नहीं होता है, वह 1500 आरपीएम की होती है तो 1500 आरपीएम पर ही वह चलती है, मतलब जितने भी आरपीएम की होगी वह उसी पे चलेगी। इसलिए उसको बोलते हैं, इसीलिए बोला भी जाता है कि सिंक्रोनस स्पीड, किसी भी चीज की जो स्पीड होती है वह सिंक्रोनस स्पीड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह आइडियल स्पीड होती है, उसी पर वह मोटर या कोई भी चीज़ है वह चलती रहती है। जैसे कि हमारा जो जनरेटर होता है, उसका जो आगे वाला जो अल्टरनेटर होता है, वह एक सिंक्रोनस मोटर ही होती है, ठीक है, इसीलिए वह 1500 आरपीएम पे वह चलती रहती है, ठीक है। आप जब भी देखेंगे जो हमारा जो अल्टरनेटर होता है वह इस फिक्स स्पीड 1500 आरपीएम पे वह चलती रहती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि नो लोड और ऑन लोड क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस चीज़ को जान पाएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।